फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे Q50 रिले के बारे में। यदि Q50 रिले एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो क्या चेक करेंगे, और Q50 रिले को वेज करने के पहले और बाद क्या सावधानी रखेंगे। Q50 रिले एनर्जाइज नहीं होने पे हमारे लोगों में TLT विथ LSB प्रॉब्लम आता है। TLT विथ LSB का मतलब है टोटल लॉस फॉर ट्रैक्टिव इफॉर्ट, और इसमें LSB लैंप नहीं बुझता है। इसका इंडिकेशन आता है LSB लैंप नहीं बुझेगा, MP को जीरो से प्लस में करेंगे तो नॉच भी नहीं आएगा, और LSGR लैंप नहीं बुझता है, जिसके कारण लोको मूव नहीं होता है। Q50 डिले एनर्जाइज नहीं होने पे ट्रबल शूटिंग निम्न प्रकार करेंगे। BL को 2-3 बार ऑपरेट करेंगे, MPJ को 2-3 बार ऑपरेट करके ट्राई करेंगे, J1 J2 को कैब के अनुसार हैंडल को सेट करेंगे। यदि कैब 1 लीडिंग है तो J1 J2 को ऑफ डायरेक्शन में उसका हैंडल करेंगे, और कैब 2 लीडिंग है तो J1 J2 को डाउन डायरेक्शन में उसका हैंडल को सेट करके ट्राई करेंगे। इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो CTF 1-2-3 को ट्रैक्शन साइड ऊपर में करके उसको टैप करके ट्राई करेंगे। J1 J2 और CTF 1-2-3 को 2-3 बार ऊपर और नीचे करके ट्राई करेंगे। C145 कॉन्टेक्टर ओपन में होना सुनिश्चित कर लेंगे, और LSC145 लैंप बुझ के रहना चाहिए सुनिश्चित कर लेंगे। इसके बाद भी अगर रिले एनर्जाइज नहीं हुआ तो Q50 रिले के इंटरलॉक को क्लीन करके ट्राई करेंगे। इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो GR को 0-5 और 5-0 करके ट्राई करेंगे। इसके बाद भी सफलता नहीं मिली तो Q50 रिले को एनर्जाइज करके गाड़ी काम कर सकते हैं, लेकिन Q50 रिले को एनर्जाइज करने के पहले हमें कुछ सावधानियां लेनी पड़ेगी जो निम्न है। J1 J2 प्रॉपरली सेट हुआ सुनिश्चित कर लेंगे। CTF 1-2-3 ट्रैक्शन साइड यानी कि उसका हैंडल ऊपर के ओर होना सुनिश्चित कर लेंगे, और C145 ओपन में होना चाहिए, और LSC लैंप बुझ के रहना चाहिए। अगर Q50 रिले को एनर्जाइज कंडीशन में वेज कर दिए तो इसके बाद भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है जो कि निम्न है। गंतव्य स्थान तक MPJ को रिवर्स में नहीं करना है, संटिंग नहीं करना है, लेकिन अगर संटिंग करना जरूरी पड़ा तो कैब के अनुसार J1 J2 को सेट करके काम कर सकते हैं। RV का उपयोग कभी नहीं करेंगे। यदि DJ ट्रिप हुआ तो MP को जीरो में करना जरूरी है। इसके बाद लॉग बुक में रिमार्क लिख करके TLC को बता देंगे, और ऐसे ही आगे गाड़ी काम करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।